tracks from our film that's going to launch today, Dance Bar. Please play the track. Any questions regarding this? Awaani yaani bhai. आप पूछ रहे हैं कि सामान कुछ है क्या आपको ये बोलो yes. अगर यू नो व्हेन वी गो टू द यू नो वर्कप्लेस हाउ पीपल गेट ह्यूमिलिएटेड हैरेस सो इट्स बेस्ड ऑन दैट एंड हाउ अ गर्ल हु इज गोइंग थ्रू यू नो ट्रबल इन हर लाइफ एंड यू नो हाउ शी वॉक इन टू अ कैफे वेयर इन टू वुमेन आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट दिस थिंग एंड सबकॉन्शियसली यू नो इट फीड्स इन टू हर माइंड एंड शी गेट इन एक्शन कॉन्शियसली So it is a little bit, it is based on the book called as Power of Subconscious Mind as well. किरदार मैं आपको बता दूंगी तो आप फिल्म नहीं देखेंगे नहीं देखूंगा तब तो देखूंगा ना मैं किरदार के तो देखेंगे हम लोग किसी घर देंगे हम लोग किरदार स्पेसिफिकली मैं आपको नहीं बता आई डोंट नो हाउ टू टेल यू क्या किरदार है मेरा पर ये एक ऐसा मुद्दा है लाइक आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन आई ऑलवेज वॉन्टेड टू रेज such issues in society and I feel very proud that I'm able to do it through my work. बस इतना कहना चाहती हूँ कि इससे आपको inspiration बहुत मिलेगा आने वाली पीढ़ी को हमारी youth को और लड़कियों को firstly जब मैंने ज़्यादा independent और art cinema में ज़्यादा किया है आँखों देखी इस तरह की फिल्में ज़्यादा की हैं तो जब अतुल ने मुझे approach किया फिल्म के लिए I really liked his passion And the main reason I got associated with the film is because it's raising very important issues. As women, हम चाहे किसी भी industry में, film में, या media में, या corporate में, किसी भी industry में औरतें बाहर काम करने जाती हैं, तो किस तरह की hardships वो face करती हैं, whether it's sexual assault या किसी तरह से भी उनको problems आती हैं. So what kind of problems we are facing and how we deal with it. So basically, in this film, two women are talking and exchanging their notes और अपनी thoughts share कर रही हैं कि हम क्या problems face करते हैं, how we can actually deal with those problems very easily. So basically, हमारे अंदर ही वो strength है to deal with all these problems and become stronger human beings. So that's how I feel connected to the film. So while I was, writing this, it was not even, I just planted the seed. So there was just a thought came. So I thought, why not Tanushree ma'am? Like, you know, she's someone, like you just walk into the door, room and she just spreads light. She's a light herself. because we both were sitting together and we were talking about the story and I shared the thought with her. And she's like, they said like I want to work with Tanushree in this. And she's like, she's the one who actually, given the water and then that's how I get connected with sir. And then, he further pushed in the project. So yeah, Ishani will tell you the story. There's a beautiful story behind So hum aise discuss kar rahe the ek din and he was like ki yaar main na is abhi jo आई डू नॉट वॉन्ट टू से मी टू पर ये सब जो भी चल रहा था अभी एक तरह से हरासमेंट और ये मुद्दे सारे एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क प्लेस तो इस पर ये कह रहा था कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ एंड आई ओनली सी तनुश्री उसमें एंड पर ये कहता बट एक प्रॉब्लम है यार वो अभी US वापस जा रही है लाइक नेक्स्ट मंथ तो फिल्म का ये कंसेप्ट है एंड आई वॉज लाइक तो प्रॉब्लम क्या है अप्रोच तो करो उसको इज़ लाइक पता नहीं वहाँ करेगी ना करेगी और मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी मैंने कहा नहीं मुझे 100% I'm dead sure कि वो हाँ ही बोलेंगी और बस ऐसे ही चीज़ें प्रोग्रेस हुई काफ़ी मुश्किलें हुई तनुश्री जी को अप्रोच किया तो उन्होंने I'll start with my answer. मैंने ये शॉर्ट फिल्म करी जो अपनी ये जो डांस बार है इट्स अ वेब सीरीज ना अरे वाह क्या बात है चलिए ये मेरे लिए एक रेवोल्यूशन है कि हमने जो एक फिल्म के तौर पे शूट किया था आज उसको हम वेब सीरीज की तौर पे पेश कर रहे हैं द रीज़न व्हाई आई डिड दिस वाज
पहली बात तो ये कि दीपक पांडे जो डायरेक्टर हैं इस वेब सीरीज़ के, वो मेरे पुराने मित्र हैं, मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, वो DOP रह चुके हैं, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसी कहानी है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ और मैं सिर्फ आप ही को इस कहानी में देख रहा हूँ, तो क्या आप ये करना चाहेंगे? और मैंने उनको बोला कि देखिए, मेरा पहला रीज़न आपके साथ काम करने के लिए यह है कि आप हैं और आप डायरेक्टर भी हैं इसमें, तो मैं बहुत खुशी ये करूँगा। दूसरा ये कि उन्होंने जो सब्जेक्ट, जो स्टोरी लाइन मुझे बताई थी, वो स्टोरी लाइन बहुत ब्रिलियंट थी, तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी। तीसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसमें इंटीमेट सीन्स थे, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि मैंने अपने पूरे करियर में आज तक कभी इंटीमेट सीन नहीं किया, तो मैं ये चाहता था कि मैं अपना ये जो फियर है या इनिबिशन है कि मैं इंटीमेट सीन कैसे परफॉर्म कर पाऊँगा स्क्रीन पे, मैं उस फियर को ओवरकम करना चाहता था। और मुझे ऐसा लगा जब अपने लोग हैं यहाँ पे तो शायद इनके साथ काम करने से मुझे थोड़ी सी इट माइट बी अ लिटिल ईजियर फॉर मी टू बी एबल टू परफॉर्म सच सीन्स विद एवरीबडीज हेल्प, और ऐसा ही हुआ। हमने जो भी एक दो इसमें इंटीमेट सीन्स परफॉर्म किए हैं बहुत अच्छी तरह से, विद दी हेल्प ऑफ माई को एक्टर्स, द गर्ल्स हु आई परफॉर्म द सीन्स विद, उन्होंने मुझे बहुत मदद करी और बहुत कंफर्टेबल किया, और बहुत ही अच्छे माहौल में बहुत अच्छी तरह से स्मूथली हमने वो सीन्स किए। और इसके अलावा जो कहानी है वो डांस बार के इर्द गिर्द है, और ये उसका एक ऐसा पहलू आपको दिखाएगी ये कहानी जो आज तक शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, अनलेस जो डांस बार में बहुत में एक्सपीरियंस्ड हो, शायद उनके अलावा ये बाकी जो बाहरी दुनिया उनको नहीं पता होगा ये पहलू डांस बार्स का, या वहाँ पे जो काम करने वाली लड़कियाँ होती हैं, नाचने वाली लड़कियाँ जो होती हैं, उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू है जो इस कहानी को करने के बाद मुझे पता चला और समझ में आया। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विभू जी ने जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है उल्लू, उन्होंने अभी आपको ये एक्सप्लेन तो किया ही है कि उल्लू का महत्व क्या है, उसका नाम क्यों उल्लू रखा गया, कितना सोचने के बाद ये नाम रखा गया। हम लोग जनरली उल्लू बहुत ही कैजुअली बोल जाते हैं, बट ये जो पक्षी है उसकी क्या क्या महत्वता है, क्या महत्व है हमारे हमारे धर्म से जुड़ी हुई, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई, वो इन्होंने आपको आज एक्सप्लेन किया, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने जस्टिफाई किया है इसका नाम उल्लू रखना। और दूसरा ये कि विभू जी ने एक प्लेटफॉर्म शुरू करके बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि आज की डेट में हमारे यहाँ जितना टैलेंट है हमारी कंट्री में, हमारे शहर में, बॉम्बे में, और बॉम्बे के बाहर से भी जितने लोग आते हैं, बहुत सारे एक्टर्स आते हैं हज़ारों की तादाद में, कितने सारे राइटर्स होते हैं, कितने डायरेक्टर्स होते हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उससे बहुत सारा टैलेंट आप उसको यूटिलाइज भी करते हैं, और वो टैलेंट आप पूरी दुनिया के आगे पेश भी करते हैं, बिकॉज हमारी कंट्री 1.3 बिलियन की कंट्री है, और मेरे ख्याल से हमारे पास हर तरह का रिसोर्स भी है, सोर्स भी है, हर तरह का टैलेंट है, हमारी हमारी संस्कृति कला से बहुत प्रेरित रही है, और बहुत कला है हमारे देश में, और उस कला को अगर हम इस तरह से विभू जी जैसे लोग अगर प्लेटफॉर्म के तौर पर अगर पेश कर रहे हैं और उसके थ्रू कला लोगों की आपके सामने आ रही है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता। सो विभू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म सच एज उल्लू। सर, आपसे जानना चाहूँगा, पहली वेब सीरीज में सुधांशु जी कैसा एक्सपीरियंस था, और क्या फर्स्ट चॉइस सुधांशु जी थे इस वेब सीरीज के लिए? हाँ बिल्कुल, मेरे पास दीपक सर का कॉल आया और मुझसे उन्होंने ये बताया कि ऐसा ये वेब सीरीज़ हम लोग एक, क्योंकि स्टोरी और जो डिज़ाइनिंग थी वो हमारी और दीपक जी की बैठकर, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था, और मुझे ये कहानी कुछ रिसर्च हम लोगों ने साथ में बैठ के करी थी, और ये बड़ा अलग टाइप की हमें स्टोरी लगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक जो मिलियंस और बिलियंस का जो बिजनेस होता है इस फिल्म के अंदर, वो आपको दिखाई देगा क्या है इसके अंदर, और जो डांस बार गर्ल्स करती हैं, बेसिकली इट्स अ बिजनेस। तो अब उससे रिलेटेड जब स्टोरी उन्होंने मुझे सुनाई और मुझे डिस्कस किया कि हम लोग सुधांशु जी को ले रहे हैं इसमें, तो मैंने एक बार में ओके कर दिया कि हाँ, बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है आपकी, और इनको लेना चाहिए इस फिल्म के लिए, और बिल्कुल परफेक्ट है।
मैं अपनी जी जी मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि देखिए, वैसे तो हर आदमी नेटफ्लिक्स की बात करता है, अमेज़ॉन की बात करता है, बट यहाँ पे एक हमारी खुद की अपनी इंडिजिनस इंडियन एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, तो मैं आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर इस पर जो कॉन्टेंट विभू जी ने और इन्होंने इनकी पूरी टीम ने मिलकर क्रिएट किया है, बहुत बड़ी तादाद में क्रिएट किया है, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ उल्लू सब्सक्राइब कीजिएगा और यह ऐप डाउनलोड करके 36 रुपये साल का भर के ज़रूर जो है इस पे जो आपके लिए वेब कंटेंट लेके आ रहे हैं उसको ज़रूर देखिए प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आई एम श्योर कि यू विल नॉट बी लेट डाउन, यू विल रियली लव इट। अगर आप लोग नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन दे सकते हैं तो आई एम श्योर कि हमारे खुद की जो देसी प्लेटफॉर्म है उसको आप लोग ज़रूर देखेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आई एम नियति जोशी, रियल नेम इज़ नियति जोशी। डांस बार में मेरा किरदार है गौरी का, मैं इनकी बड़ी बहन का रोल प्ले कर रही हूँ इसमें। बेसिकली अ वेरी स्मॉल ब्रीफ मेरे बारे में ये है कि मैं इस जो कोई जो मेरा प्रोफेशन है प्रोस्टिट्यूशन का, मैं उसमें किस रीज़न की वजह से घुसती हूँ, इट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू सेंड हर आउट फॉर हर स्टडीज़, एंड उसके बाद जो कुछ होता है लाइक यू नो आई गेट इन आई गेट इन टू अ ब्रॉल विद समवन, एंड बाकी का तो आप डांस बार में देख पाओगे, बिकॉज इफ आई से समथिंग मोर पूरी स्टोरी रिवील हो जाएगी। सो दैट्स अ शॉर्ट ब्रीफ अबाउट मी। मेरा कैरेक्टर मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सस्पेंस है। मेरा नाम पूनम राजपूत है, एंड कैरेक्टर नेम्स भी नहीं बता सकती क्योंकि इसमें मेरे दो दो नाम है, तो इसमें बहुत मसाला है, बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ। माई नेम इज़ कनीषा मल्होत्रा और मैं इस फिल्म में रूबी का कैरेक्टर कर रही हूँ जो कि एक बार डांसर है, और बस इतना बोलना चाहूँगी कि वो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत सालों से बचपन से वो एक डांसर ही है और यहीं पली बड़ी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, और यही कहानी है। कहानी और कुछ मैं रिव्यू नहीं कर सकती हूँ, आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। थैंक यू। और एक है एनिवर्सरी सरप्राइज, तो आप इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। माय नेम इज यश पंडित। वैसे उल्लू के लिए मैंने दो फिल्में की हैं, एक का नाम है स्वीट लाइव विद डेबोलिना और दूसरी फिल्म का नाम है एनिवर्सरी सरप्राइज। एंड इस फिल्म के बारे में मैं ये बताऊंगा कि इट्स अ थ्रिलर। एनिवर्सरी सरप्राइज इज अ थ्रिलर, इट्स एन इट्स अ क्रेजी फिल्म। आई हैड टू प्ले अ ग्रे शेड, एंड ये बहुत अच्छा ऐप है जो विभू जी ने लॉन्च किया है और उसको बहुत अच्छी तरह से प्रमोट कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी एंड आई एम गेटिंग रियली ग्रेट रिस्पॉन्स। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि लोग अपने मोबाइल पे ही सब मूवीज़ देख लेते हैं। पहले सिनेमा घर जाते थे, उसके बाद टीवी पे देखने लगे, आजकल लोगों के पास फुर्सत नहीं है तो लोग मोबाइल पे ही देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा लॉन्च है उल्लू का, और बहुत अच्छी फिल्म ओरिजिनल फिल्म्स बना रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर विभू जी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और वेब सीरीज़ का ज़माना स्टार्ट हो गया, स्पेशली आफ्टर नेटफ्लिक्स एंड प्राइम, तो ये ऐप भी उल्लू ऐप जो है बहुत कैचअप कर रहा है, प्रचलित हो रहा है, एंड आई एम ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी हियर। एंड बहुत सारा काम और आगे होने वाला है, फीचर फिल्म्स भी बनने वाली हैं, एंड आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू। शॉर्ट फिल्म जी, ये शॉर्ट फिल्म आप बेसिकली आप जानना क्या चाहते हैं पूरा, आप इसीलिए जानना क्या चाहते हैं पूरा इसके बारे में? ओके, इट इज़ अबाउट अ बुक कॉल्ड एज यू नो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सपोर्टेड बाय दैट, एंड इट टॉक्स अबाउट द वेरियस सोशल इश्यूज, द विमेन इश्यूज, लाइक यू नो हाउ दे स्टेप आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड दे फेस सच प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द एक्सप्लॉयटेशन, हैरेसमेंट, यू नो, एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग, एंड यू नो कैसे एक लड़की होती है जो मुंबई में स्ट्रगल कर रही होती है, एंड शी इज़ एन एक्ट्रेस, एंड एंड यू नो शी इज़ फेसिंग ऑल दोज इश्यूज, एंड
यू नो शी गोज टू कैफे वहाँ पे दो लड़कियाँ तनुश्री हाँ दैट्स हाउ शी इज यू नो शी गेट्स इन्फ्लुएंस्ड एंड शी गेट्स इन कॉन्शियसनेस एंड फॉर दैट रेस्ट ऑफ दैट यू नीड टू वॉच द फिल्म. बेसिकली हमारा मुद्दा ये है कि अगर मैं अपने किरदार की बात करूँ तो कैसे एक लड़की जो एक छोटे शहर से बड़े शहर में जाकर अपने सपने पूरे करते हैं और कैसे वो उस बड़े शहर की शान शौकत में या अगर देखा जाए शहर शहर में कैसे वो अपनी एक आवाज़ जो है वो देती है और कैसे वो उस चीज़ में शी गेट्स ट्रैप्ड इनटू जो भी हमारा चल रहा है आसपास ककून में भी तो कैसे वो हमारी जो हमारे अंदर की जो आवाज़ होती है वो उसको खो देती है और कैसे हम कैसे अगर राइट टाइम पे राइट जगह पे प्रेजेंट होते हैं तो हमें हम कैसे हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ्स. तो इट्स बेसिकली एंड वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स आल्सो लाइक एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क स्पेस कैसे वो जैसे बेसिकली जो भी जब औरतें घर से बाहर काम करने जाती हैं तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती हैं और जो कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हर इंडस्ट्री में उनको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है और किस तरह के सवाल उनके मन में आते हैं कैसी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं और कैसे हम खुद अपने अंदर वो स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की और उनसे डील करने की. एंड नॉट जस्ट ओनली दैट बिकॉज यू नो इट्स अबाउट हाउ मेन फील दे आर प्रिविलेज लाइक यू नो आई एम ऑल्सो मैन but I was also I'm raised in a such a way that I am not allowed to feel privileged to be a man and I can do anything to a woman so it's something like you know it talks about the bringing up also and talking about Tanushree because you know I believe हर एक आवाज़ का अपना एक यू नो वेटेज होता है. अब जैसे बच्चन साहब की आवाज़ है जैसे तनुश्री की आवाज़ ऐसी है जो कि हर एक इट इज़ अ मैग्नेट फॉर ऑल द वुमेन टू यू नो टू 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 रेज देयर वॉइसेज अगेंस्ट व्हाटएवर हैपनिंग टू देम.